हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बटर स्कॉच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें डालने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ, ये है एक वेपोरेटेड मिल्क, और ये कंडेंस मिल्क है, और ये फ्रेश क्रीम है, और थोड़ा सा येलो कलर लिया है क्योंकि बटर स्कॉच में येलो कलर होता है, और 10-12 मैंने ये कैशू लिए हैं, और 2 छोटी ग्लासी मैंने शुगर की ली है। इसका मैं शुगर को मेल्ट करके, मैं बहुत स्लो आंच पे मेल्ट करके, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये इसको कैसे हम बनाएंगे। जो हमने बटर स्कॉच बनानी है उसमें डालने के लिए हम ये चीनी को पहले कैरमलाइज करेंगे। उसमें ये कैशू हम थोड़े से कूट के थोड़े छोटे पीसेस में उसी में डाल के फिर हम ये रेसिपी बनाएंगे। ये मैंने पहले फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, और ये शुगर मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिया। इसमें पानी बिल्कुल नहीं टच करना, तो जब ये थोड़ी सी पिघलेगी तो हम ये जो हमने ये काजू को क्रश किया है इसको डालेंगे इसमें, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये मेल्ट होगी तो फिर इसका हम बटर स्कॉच का फ्लेवर जो है इसी से बनाएंगे। ये जब चीनी मेल्ट होती है तो हम इसमें 2 चम्मच बटर के डालेंगे। ये मैं काजू जो मैंने क्रश किए थे उसको भी मैं इसी में डाल रही हूँ ताकि काजू इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। इसको मैंने बहुत धीमी आंच पे चीनी को पिघलाना है। जब ये होती है तो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी ये बन रही है, बस इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको जमने देंगे। इसको हम अब बटर पेपर के ऊपर डाल देंगे ताकि ये हमें उतारने में आसानी रहे। ये शुगर हमारी मेल्ट हो गई है, और ये इस तरह पीसीज हैं। एक गिलासी में मैंने काजू, एक गिलासी चीनी में मैंने काजू डाला था, और दूसरी मैंने प्लेन ही की थी। अब इसको छोटे छोटे पीसीज में हमने काट तोड़ना है। ये मैंने जो शुगर मेल्ट की थी और उसको अभी क्रश किया है तो आपको दिखाई थी मैंने, तो इसको थोड़ी सी ऊपर डालेंगे। बाकी इसी में हम जब ये मैं क्रीम डाल रही हूँ सबसे पहले मिक्सी में, और उसके बाद ये वेपोरेटेड मिल्क। और हम कंडेंस मिल्क आधा डालेंगे क्योंकि हमने ये शुगर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है, तो इसलिए इसको मैं आधा ही यूज़ करूँगी। और इसमें 2 ड्रॉप हम इसके कलर के, येलो कलर के डालेंगे क्योंकि बटर स्कॉच थोड़ा येलो कलर में होती है।
ये फूड कलर है, और आधा हम इसमें ये जो हमने शुगर को क्रश किया है आलमंड वो उसके साथ काजू के साथ, तो उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम चलाएंगे। ये 3-4 ड्रॉप मैं वनीला एसेंस के डाल रही हूँ। अगर आपके पास बटर स्कॉच एसेंस हो तो आप चाहे वो भी डाल लें, और फिर ये डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम ये इसमें लगाते हैं। मैंने 3/4 तो इसमें पहले ही मिक्सी में जब इसको किया था तो तब डाला था, बाकी हम ऊपर से इसको डाल रहे हैं। इसको कम से कम नहीं तो 8-10 घंटे इसको आपने फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है। जब ये सेट होती है तब मैं आपको बताती हूँ। ये हमने ऊपर से डाल दिया जो हमने क्रश शुगर की थी, तो अब इसको जमाने के लिए मैं 8 घंटे के लिए 8-10 घंटे मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। फिर जब ये जमती है तब मैं आपको बताती हूँ। बटर स्कॉच की ये मैंने रात को जमाई थी, तो अब मैं सुबह निकाल के लाई हूँ। इसको थोड़ा टाइम लगता है जमते हुए, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनी है, और आप इसको ज़रूर बना के एक बार देखना। ये बहुत ही अच्छी, खाने में बहुत टेस्टी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी भी पसंद आएगी, जैसे आपने मेरी पहली रेसिपीज को पसंद किया है। और मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। Thank you for watching.